कोशिश कीजिएगा आप एक चक्कर एक मिनट में गिराने के लिए, तभी आपका टाइमिंग कम आ सकता है वहाँ पर। हम लोग दो ही जाने तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट्स रहेंगे तो एक दूसरे को कवर करेंगे तो थोड़ा टाइम बहुत कम होगा। तो हम 320 का ट्रैक है, तो देखिए कितना टाइम लगता है। और दोपहर में तैयारी कर रहे हैं लोग, क्योंकि ज़्यादातर 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में टाइमिंग है। और ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये सब, इनका भी बिहार पुलिस में रिजल्ट है, सब दोपहर में लगभग 3 बार तैयारी कर रहे हैं लोग। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। आप कोशिश कीजिएगा एक चक्कर एक मिनट में गिराने के लिए। ये मेरा एक मिनट एक सेकंड में एक चक्कर पूरा हो गया, और दूसरा चक्कर लगभग 2 मिनट 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर में, कम से कम 10 सेकंड के अंदर में कोशिश कीजिएगा लग जाए, तभी आप 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर में आ सकते हैं। और आपको ज़्यादा तेज़ भी नहीं जाना है, ये आगे वाले जो बंदा है उसको कवर करके चलिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादा अगर तेज़ जाते हैं तो 2 चक्कर 3 चक्कर में थक जाएंगे, और फिर लास्ट वाला 2 चक्कर रहेगा तो आपसे नहीं जा पाएगा और ज़्यादा समय लग जाएगा। क्योंकि हम वहाँ पर दौड़े हैं बिहार पुलिस फिजिकल ग्राउंड गर्दनी बाग पटना, वहाँ पर 2 बार दौड़े हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें भी मेरा टाइमिंग 1 में 5:21 लगा था और 1 में 5:18, 2 चक्कर 2 मिनट 7 सेकंड में पूरा हो गया। ये तीसरा चक्कर है, आपको चक्कर भी गिनता रहना होगा, नहीं तो कितने कैंडिडेट्स होते हैं अपना वो चक्कर भूल जाते हैं। तो आप ऐसे तैयारी कीजिए अभी से, अपने ग्राउंड पर 5 राउंड 7 राउंड दौड़िए और चक्कर गिनते रहिए तो अच्छा रहेगा, इतने कैंडिडेट्स भी चक्कर याद नहीं रहता है, तो आप अपना चक्कर गिनते रहिए। अगर आपका टाइमिंग अपना अपने ग्राउंड पर 5:20 या 5:25 लग रहा है तो वहाँ पर दौड़िए तो निश्चित रूप से 5 सेकंड 7 सेकंड कम हो जाता है। हम दौड़ चुके हैं, मेरा अनुभव है वहाँ पर, तो आप ये न सोचिए कि मेरा 25 लग रहा है तो 25 लगा, लेकिन आप ये सोच के चलिए कि मेरा 25 लग रहा है तो वहाँ पर किसी तरह से 20 के अंदर लाना है तो आ जाएगा, और वहाँ पर थोड़ा सा कम भी समय लगता है। ये मेरा 3 चक्कर राउंड पूरा हो गया, चौथा चक्कर है, तो आपको इसी तरह चक्कर भी गिनते ही रहना होगा, नहीं तो चक्कर में बहुत प्रॉब्लम होता है। जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से रनिंग स्टार्ट होता है, आप 5 चक्कर जब पूरा करते हैं तो वहाँ पर आकर ही आप सुले होइएगा, लेकिन वहाँ तक आइएगा आप फास्ट, जहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक फास्ट आइएगा तभी आपका थोड़ा 2-4-5 सेकंड कम होगा, नहीं तो आप 3-5-7 सेकंड सुले हो जाते हैं। उसके बाद जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ तक आते आते आपका 5-7 सेकंड ज़्यादा लग जाता है, तो वैसे नहीं करना है। आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर वहाँ तक एकदम फास्ट आना, उसके बाद सुले होना, तो इस तरह से कीजिए तो आपका 5-7 सेकंड कम लगेगा। ये लास्ट चक्कर हम लोग का है, देखिए लास्ट चक्कर 1 मिनट में हम लग गया है, तो आपको भी ऐसे ही दौड़िएगा तो कोशिश कीजिएगा हमारा 1 मिनट में लास्ट और फर्स्ट, शुरू वाला और लास्ट वाला हमारा 1 मिनट में 2 मिनट में 2 चक्कर लग जाए, तो ऐसे आपका टाइमिंग कम आएगा। ये जो लड़का दौड़ रहा है पीछे वाला, इसी तरह से
जिसे आगे वाले को कवर करेगा तो उसका टाइमिंग लास्ट चक्कर में पक्का कम आएगा। वहाँ पर ये देख सकते हैं ज़्यादा नहीं 10 मीटर का गैप है, तो आप उसी तरह लास्ट चक्कर में कवर कीजिएगा, इस तरह से आपका टाइमिंग कम आएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको हेल्प करने के लिए।